महादेवनी कहानी। ब्रह्मा जी पासे थी वरदान मळ्या बाद तारकासुरना त्रण पुत्रोनी मय दानव द्वारा त्रण नगरो बांधवामां आव्या। तेमांथी एक सोनानो, एक चांदीनो अने एक लोखंडनो हतो। आ शहेरो आकाशमां फरी शके छे। तेमां मोटी इमारतो, बगीचाओ अने रस्ताओ हता। तेमां करोड़ो दानोनो वास हतो। ए शहरों में इतनी बड़ी सगवड़ हती कि राक्षस जे कई इच्छे ते मेळवी शकतो। एटलू ज नहीं, तारकासुरना पुत्रए तपस्या करीने ब्रह्माजी पासेथी वरदान मांग्यू, एवी जड़ीबूटी बनावी जे मृत लोकोने पण जीवित करी शके छे। जो कोई राक्षस मरी गयो होय तो ते बाबरीमां लई जवामां आव्यो होत ते पाछो सजीवन थशे अने पहला करता वधु शक्तिशाळी बनशे। पछी शुं हतुं के राक्षसो निर्भय बनीने देवताओने डरावा लाग्या। तेओ देवताओने ने जग्याए ठेकाणे पीछो करीने अहीं तहीं रहेवा लाग्या। ते अभद्र राक्षसो देवताओना बगीचाओने तोड़ी नाखशे अने ऋषिओना पवित्र संन्यासनो पण नाश करशे। तेओना अत्याचारोए सर्वत्र होबाळो मचाव्यो हतो। आ रीते ज्यारे सर्व संसार दुखी थया त्यारे इंद्रनी साथे बधा देवताओए ते नगरो पर हुमलो करवानुं शरू कर्यु। परंतु ब्रह्माजीना वरदानना प्रभावथी बधा असुरो फरी जीवित थई जता हता। बधा देवो एक साथे ब्रह्माजी पासे गया। ब्रह्माजीए देवताओने कह्यु कि भगवान शिव सिवाय कोई तमने आ समस्यामांथी बहार काढी शकशे नहीं। त्यार बाद ब्रह्माना नेतृत्वमां बधा देवताओ भगवान शिव पासे गया। भगवान शिव शरण पामेलाने आश्रय आपवाना छे। तेज राशि पार्वतीना पति भगवान शिवने जोईने बधा देवताओए माथुं नमाव्युं। भगवान शिवे वरदान स्वरूपे कह्युं, तमारी इच्छा शू छे ते कहो। भगवान शिवनी अनुमति मळ्या पछी देवताओए भगवान शिवनी स्तुति करी अने कह्युं, अमे मन अने वाणी छीए, अमारा कर्मोथी अमने तमारा शरणमां छीए, कृपा करीने अमने आशीर्वाद आपो। भगवान शिव प्रसन्न थया अने बोल्या, तमे बधा निर्भयताथी कहो कि हूँ तमारा माटे शुं काम करूँ। आ रीते जारे महादेवजीए देवताओने शरण आप्युं त्यारे ब्रह्माजीए हाथ जोड़ीने कह्युं, तमारी कृपाथी मैं प्रजापति पद पर स्थापित थईने राक्षसोने वरदान आप्युं हतुं, जेना कारणे ते तमाम मर्यादाओ तोड़ी छे। तमारा सिवाय तेने कोई मारी शकशे नहीं। त्यारे भगवान शिवे कह्युं, देवो धनुष अने बाण पहेरीने रथमां सवार थईने हूँ तेने झड़पथी मारी नाखीश। देवताओ संतुष्ट थया अने भगवान शिवनी जय जय बोलवा लाग्या।